नागपुर टुडे देख रहे दर्शकों का बहुत स्वागत है। नागपुर महानगर पालिका में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। जनवरी में जो चुनाव होने वाला है, एक अखबार में नागपुर से जो निकलता है उसमें एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत की ओर बताया गया है। हमारे साथ महानगर पालिका की सभा में नेता प्रतिपक्ष और शहर की कमान पार्टी की जो संभाल रहे हैं विकास ठाकरे हैं, वरिष्ठ नगर सेवक हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की तैयारियां उनकी इस चुनाव को लेकर है और किस तरीके से वो जनता के बीच में जाने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जब पिछली बार कांग्रेस की सत्ता थी महानगर पालिका में, आप ही महापौर थे, अब आपके नेतृत्व में महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, पार्टी लड़ने वाली है, तो किस तरीके की तैयारियाँ हैं? नहीं, मुझे लगता है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार महानगर पालिका में थी और नागपुर शहर के जनता को जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे कतई पूरे नहीं हुए हैं। और जो शहर की जनता को जो टैक्स और पानी के रूप में जो पैसा जो कमाया हुआ पैसा महानगर पालिका में डालना पड़ रहा है और उसके बदौलत सिटी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, प्रभागों के काम नहीं हो रहे, गड्ढे नहीं बुझ रहे, शहर का कचरा नहीं उठ रहा है, बस की सेवा अधूरी है, इस तरीके के और काफ़ी प्रश्न है। तो मुझे लगता है कि जनता ही इस सरकार से नाराज है और अभी आने वाले चुनाव में जनता का रुख अपने सामने आ गई। तो किस तरीके की तैयारियों के साथ में, कौन से मुद्दों के साथ में आप खुद जनता के बीच में जाएंगे, पार्टी को लेकर जाएंगे? यहाँ पार्टी को लेकर हमारी पार्टी ने सबसे पहले तो हम जो उम्मीदवारों का चयन करने वाले उसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी से ही सर्वे चालू कर दिया है। हम उस प्रभाग में का ऐसी व्यक्ति नगर सेवक बने जो जनता के नियमित टच में रहे, जनता को उत्तरदायी रहे, जनता के डेवलपमेंट के कामों में उसे रुचि रहे, ऐसे व्यक्ति को हम उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और उस लेवल पर हमने हमारी कवायद शुरू कर दी है। आने वाले दिनों में नतीजा आपके सामने आने वाला है। हमारा मुख्य प्रश्न है कि हम नागपुर शहर के जनता से जो टैक्स के रूप में पैसे की वसूली करते, 24/7 की योजना आने वाली थी, पानी 24 घंटा देने वाले थे, वो कागज़ पे रह गई है, मगर पानी के बिल इतने बढ़ गए हैं, 5% बिल OCW कंपनी को हर साल बढ़ा के देंगे, ऐसे 30 साल का एग्रीमेंट है। टैक्स के रूप से हम नियमित लोगों से ज़्यादा की वसूली ले रहे हैं, तो इसके बदले में हम शहर की जनता को क्या दे रहे हैं? तो उनके डेवलपमेंट की कोई बात नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नागपुर शहर की जनता को टैक्स और पानी के बिल में राहत दे और फिजूल खर्चा कम करे। अगर हम महानगर पालिका में होने वाला फिजूल खर्चा है जो भ्रष्टाचार के रूप से कोई कंपनियों के माध्यम से ठेकेदारों के जेब में जाता और बाद में कहाँ पे जाता है ये उन्हें ही मालूम है, तो ये फिजूल खर्चा बंद करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। और पहला उद्देश्य यह है कि नागपुर शहर की जनता जो मेहनत का पैसा कमा रही है वो टैक्स और पानी के रूप में ही कॉरपोरेशन में भर देगी, तो मुझे लगता है कि जनता बेहाल हो जाएगी। हम इसलिए महानगर पालिका का फिजूल खर्चा कम करके जनता को टैक्स और पानी में राहत देने की बात कर रहे हैं। 5% जो पानी की बढ़ोतरी बिल में सालों साल होने वाली है 30 साल तक, वो ठहराव हम रद्द करने जा रहे हैं। हमारी सरकार आती है तो हम ये ठहराव पहले रद्द करेंगे कि जनता से 5% वसूली क्यों लिया जाएगी ज़्यादा की। तो इस तरह का के अनेक प्रश्न है जो शहर की जनता से जुड़े हुए विषय है। बस का विषय होगा, बस व्यवस्था यहाँ की अधूरी है, वहाँ पर लोग यहाँ पे घाटों में लकड़ी मिलने उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो महानगर पालिका के सभागृह में हमने उठाए हैं और जनता के को मालूम है अखबार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से कि हम हर प्रश्न के ऊपर बोले हैं। हम इन सब चीज़ों से छुटकारा देने के लिए जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं। एक बात ये भी है कि नागपुर शहर की जो पहचान अब धीरे धीरे बनते जा रही है, आप लोग भी खुद विपक्ष में हैं, वो कहते हैं कि नागपुर नागपुर नहीं है, खड्डापुर हो गया। इसको लेकर शहर की जो सड़कें हैं उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह है, मतलब हर जगह सड़कों में गड्ढे हैं। इस स्थिति पर पिछले 4 महीने पहले हमने सभागृह में बोलना शुरू किए थे, बीजेपी के भी कुछ कॉरपोरेटर लोग बोले थे, बड़ा
एक बवंडर हुआ कि एक जांच समिति बन रही है, ये बन रही है, और वो जांच समिति ने 4 महीने में पूरे खड्डों का यानी खड्डे ही नहीं है करके ऐसी रिपोर्ट दिया। तो मुझे लगता है नागपुर शहर की जनता के आँख में धूल झोंकने वाला ये काम है, क्योंकि शहर की जनता सड़क पे चल रही है, उन्हें खड्डा दिख रहा है, मगर हमारी कमेटी जो सर्वे कर रही है उन्हें कोई खड्डा नहीं दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये डामर घोटाला जो हुआ है इसमें बहुत बड़ी साजिश है, वो ठेकेदारों को बचाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए रची हुई साजिश है कि इस गड्ढों के भ्रष्टाचार में, डामर घोटाले में किसी को कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई अधिकारी सस्पेंड नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ये साजिश के जरिए इनको बचाने का प्लान किया गया है, और पिछले 4 साल से जनता चिल्ला रही है, कॉर्पोरेटर चिल्ला रही है, मगर ये हमारी जांच समिति को कोई खड्डे दिखाई नहीं दे रहे। जनता को शहर के खड्डा दिखाई दे रहा है, हम कॉर्पोरेटर है, हमारे पास लोग बोलते रहते हैं। तो इतनी बेशर्मी उठाकर मेरे ख्याल से जनप्रतिनिधियों ने काम नहीं करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। एक नाराज़गी ये भी रही है विपक्ष की, बीजेपी की सत्ता के दौरान, कि डेवलपमेंट का जो फंड रहता है उसके आवंटन में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जाता है, इसको लेके भी आप लोगों ने काफ़ी आक्रामक रुख अख्तियार किया था। हाँ, जैसे कुछ सत्ताधारियों के प्रभाग छोड़ के बाकी प्रभाग होते हैं वहाँ पर जो राशि है वो नियमित रूप से दी नहीं जाती है। तो मेरा ऐसा कहना है कि आने वाले दिनों में महानगर पालिका में नागपुर शहर के हर प्रभाग में एक राशि निश्चित की जाए, क्राइटेरिया देके ABC की ये डेवलप प्रभाग है इसको A में डाल दीजिए, C में जो आता है जिसमें बोर्ड डेवलपमेंट के काम है, और उस तरह से अगर राशि दी जाए तो मुझे लगता है कि नागपुर शहर के हर क्षेत्र में काम होने के लिए आसानी होगी। और हमारा तो है ही, पिछले 10 साल से हमारे लोग सत्ता में नहीं है तो निधि का अभाव तो हमारे पीछे था ही। इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है प्रभाग सिस्टम से, इसके पहले भी हुआ है जहाँ 3 कॉरपोरेटर रहते थे, 2 रहते थे, इस बार 4 रहने वाले हैं, और लगभग हर जो प्रभाग है उसकी वोटरों की जो संख्या है वो 60,000 के ऊपर है, तो काफ़ी बड़ा प्रभाग है, इसको मिनी विधानसभा भी कहा जा रहा है। तो ये चुनौतीपूर्ण है आपके लिए, या किस रूप में इसको देखते हैं, कि या इससे अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप ज़्यादा सीटें जीत पाएँ? नहीं, कैसे हो गया है, 2 के प्रभाग पद्धति का सर्वे सत्ताधारी पार्टी ने कराया था, और वो सर्वे में उनको उनकी क्या स्थिति है वो नज़र आ गई थी, फिर उन्होंने जाके 4 की प्रभाग पद्धति कराई, और मुझे लगता है ये 4 की प्रभाग पद्धति बना के सत्ताधारी फिर से अड़चन में आ गए हैं। पिछले 3 के प्रभागों में 2002 में नागपुर महानगर पालिका में हमारी सत्ता ही थी, मैं ही महापौर बना था, और मुझे लगता है कि उससे थोड़ा सा एरिया जुड़ा है, और इसका फ़ायदा हमको है, हमारे जो मतों का विभाजन होता था वो ये बड़ी प्रभाग पद्धति में रुक गया है। परंतु मुझे लगता है कि ये सामान्य कार्यकर्ता का चुनाव था, ये वार्ड पद्धति से चुनाव होना चाहिए, जनता को भी परेशानी है ना, एक साथ 4 वोट उन्हें देना है, तो ये परेशानी सभी लोगों को है। अभी जो स्थिति हुई है, हम तो चुनाव के लिए तैयार है, 4 का करे, 8 का करे, 10 का करे, हमको तो चुनाव के आगे जाना है। मैं बताता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अच्छे है, कार्यकर्ता मजबूत है, जो हमारे उम्मीदवार सामने आ रहे हैं वो काम करने वाले हैं, और इसका फ़ायदा पार्टी को जरूर होगा। जो 4 की प्रभाग पद्धति बनाई है इसका भी फायदा हमारे पार्टी को होगा। अब एक आखिरी सवाल है और राजनीतिक सवाल है, चूँकि आपके नेतृत्व में शहर का महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है, पार्टी की जो स्थिति दिखती है वो कहीं ना कहीं ऐसे एक विश्लेषण के तौर पर ये होता है कि धड़ों में पार्टी बिखरी हुई है, तो उन सबको जोड़ने का काम तो आप ही को करना है, तो ये मनभेद जो है ये मिटा के सब एक साथ आएँ और चुनाव में जाएँ, इसके लिए किस तरीके की तैयारी है? आप देखिए, 2 साल से यहाँ पर सत्ता में हम नहीं हैं, गली में नहीं, दिल्ली में नहीं, राज्य में नहीं है, और 2 साल में जो पार्टी के प्रोग्राम्स हुए, पिछले दिसंबर का मोर्चा याद करना होगा आप लोगों को, जो कांग्रेस का मोर्चा निकला था, उसके बाद में शहर की जनता के समस्याओं के लिए जो हमने आंदोलन किए, 17-18 आंदोलन किए, 17-18 केसेस लगे हैं, वो रेल के भाड़े के विरोध में हो, पेट्रोल के विरोध में हो,
पानी के बिल के विरोध में हो, बिजली के बिल के विरोध में हो, टैक्स के विरोध में हो, घाट के लकड़ी के घोटाले के विरोध में हो, स्टार बस के विरोध में हो, ये सब आंदोलन हमने किए और इसको जो प्रतिसाद मिला बाद में सोनिया जी की कस्तूरचंद पार्क की सभा भर धूप में आपने देखा होगा कि लाखों लोग वहाँ पर आए थे, तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मजबूती से शहर में खड़ा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हार को पचा लिया है और नई उम्मीद से फिर खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में इसका नतीजा देखा जाएगा। यहाँ कोई धड़ नहीं है, यहाँ कोई गड़बाजी नहीं है। सेकंड लाइन की टीम पूरी कांग्रेस के लिए आगे आ गई है और हमारे नेता भी समझदार है, वो इस टीम को लेके ही आगे बढ़ेंगे और वैसी ही चित्र होने वाला है। सिर्फ ये जो हमारी गड़बाजी दिख रही है, ये मीडिया में कोई छाप देता है उसी में दिख रही है, वैसी तो मुझे कोई लग रहा नहीं। पूरा कार्यक्रम मेरा अच्छे से चल रहा है। शहर कांग्रेस कमेटी 6 मतदार संघों में बूथ वाइज प्रचार करके इलेक्शन के लिए तैयार है। हमारी अभी प्रभाग वाइज मीटिंग भी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में नतीजे आपको देखने मिलेगी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एक कांग्रेस के वरिष्ठ नगर सेवक और शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ठाकरे, जिनका ये साफ तौर से कहना है कि नए जोश और खरोश के साथ कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे, उनकी पार्टी जाएगी और चुनाव लड़ेंगे। चूंकि ये शहर मुख्यमंत्री का है, कद्दावर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का है, तो ऐसे में उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो अपनी पार्टी को जहां तीनों ही, चाहे दिल्ली से लेके गली तक, जब सरकार उनकी नहीं है तो कम से कम गली में, यानी कि शहर की राजनीति में उनके नेतृत्व में वो अपनी पार्टी को नागपुर महानगर पालिका की सत्ता में ज़रूर बैठाएं।